सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आज के सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अच्छा, कल हमने कक्षा 4 की हिंदी का पहला पाठ, पहली किरण, इसके थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तर देखे थे। आज हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कल हमने लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न था कब पहली किरण किनसे डरती, यहाँ तक हो गया था अपना। अब दूसरा प्रश्न है धूप की किरणों से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, धूप से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, सुनहरी धूपों से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो हिमालय यानी कि पहली किरण कहाँ पे गिरती है, अपने धरती पर यानी कि हमारे भारत भूमि पर गिरती है। सूर्य की पहली किरणें सब जगह पूरी धरती पर गिरती है, तो उससे सूर्य की किरणों से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको कल और परसों आपको पूरी कविता में भी समझा दिया था, तो आज फिर से कहते हैं कि धूप की किरणों से को देख कर पक्षी सुबह होती है, तो पक्षी आकाश से यानी कि अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं और किसकी तलाश में बाहर निकलते हैं, अनाज की तलाश में, भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं, खेत रहने आते हैं, मुंडेड़ द्वार सब जगह अपने घर के आसपास चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, उजाला हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है और भोर होने का यानी कि सुबह होने का संदेश देता है। कौन देता है? पहली किरण है, वह हमको सुबह होने का संदेश देती है। चिड़िया चहचहाने लगती है, खेत लहलहाने लगते हैं और हमारे घर के चारों तरफ उजाला हो जाता है और सुबह का संदेश देती है। तो धूप की पहली किरण हमें सुबह का संदेश देती है, ये सब लिखना है। किरणें किन्हें उजाले से नहला देती है? मैंने आपको कहा था उजालों से नहला देती है। किसको नहला देती है? अपने घर के आगे बाहर निकला हुआ मुंडे रहता है उसको, हमारे आंगन को, द्वार को, हमारे घर में थोड़ा सा प्रवेश कर जाती है, तो घर आंगन और मुंडे तीनों को उजाले से नहला देती है। पहली किरण क्या संदेश देती है? तो पहली किरण वो किसको क्या संदेश देती है? पहली किरण में यह संदेश देती है कि हमें अंधेरे रूपी बुराइयों से, अज्ञानता को दूर करना चाहिए, हमें अंधेरे रूपी बुराइयों अज्ञानता को दूर करना चाहिए और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अंधेरे रूपी जो अज्ञान है उसको दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें वो चारों तरफ फैलकर चारों तरफ अंधेरे को भगाकर मुझे प्रकाश फैला देती है, वैसे ही हमें अंधेरे रूपी अज्ञानता है उसको दूर करके प्रकाश रूपी उजाला है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तब आपको कविता अगर याद हो जाएगी तो उसकी पंक्तियाँ भी आसानी से आप लिख सकोगे। तो इसमें न इसको भय, इसके आगे क्या आएगा? न इसको भय तूफान या बर्फीली हवा से, न कोहरे या घटा से अकारण कभी डरती। इसको देखकर पक्षी गगन में चहचहाते, इशारे पर इसी के खेत सारे लहलहाते। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिया, तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक उसमें ही इसको फिल करना है। आपको गृह कार्य में यह नहीं करना, आपको गृह कार्य में क्या करना है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चौथा प्रश्न है इसमें सही उत्तर चुनकर लगाइए। तो सही उत्तर क्या है? देखो, ये पहली किरण सुबह क्या लेकर आती है? तो क्या लेकर आती है? तो गर्मी लेकर आती है, बारिश लेकर थोड़ी आती है, सर्दी लेकर थोड़ी आती है, हमको सबको तो हटाती है वो, चाहे बारिश हो जाए, गर्मी हो जाए, बारिश हो जाए, सर्दी हो जाए, सबको वह दूर भगाती है। किरण को देखकर कौन चहचहाता है? तो कौन चहचहाते हैं? पक्षी चहचहाते हैं। अंधेरा किस तरह भाग जाता है? मैंने कल बताया, परसों बताया था आपको, पाठ पढ़ाया था, हिरण की तरह भाग जाता है। अब सुबह का समय अच्छा क्यों लगता है? सुबह सुबह में आपको अच्छा क्यों लगता है वो आपको लिखना है। सुबह सुबह में क्या होता है, चारों तरफ कैसा वातावरण रहता है जिससे अपना मन है वो आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है? तो ऐसा क्या लगता है जिससे अपना मन खुश हो जाता है? तो चारों तरफ अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ एक तो उजाला हो जाता है, पक्षी और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है और चारों तरफ उजाले के साथ साथ क्या होता है, ठंडी ठंडी सुबह में ठंडी ठंडी हवा आती है, बाहर घूमने की भी सैर करेंगे तो चारों तरफ खेत लहलहाते मिलेंगे आपको। तो ये सब आपको अपने हिसाब से इसको लिखना है, इसको पूर्ण करना है। अब आगे भाषा से संबंधित प्रश्न है, उसमें से भाषा से संबंधित एक पर्यायवाची शब्द, मैंने कहा था धरती कौन, उनको सबको बताया था, तब भी मैंने कहा था कि एक शब्द है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो एक शब्द का दूसरा नाम रहता है, तीसरा, बहुत सारे नाम रहते हैं तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के बहुत सारे नाम रहते हैं तो उन जो दूसरे नाम है उनको पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे धरती का है, धरा का क्या अर्थ, धरा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा,
धरती भी होगा, पृथ्वी भी होगा, भूमि भी होगा, ये सब इसके धरती के या धरा के पर्यायवाची शब्द होंगे। सुबह है, सुबह को और क्या क्या बोलते हैं, प्रातः बोलते हैं, सवेरा हो गया, ये भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। घर का क्या क्या होगा, भवन, गृह, भवन और गृह। पक्षी का क्या होगा, खग, विहग, खग और विहग, खग मीन्स भी पक्षी होता है। हवा का मतलब क्या होगा, वायु, पवन। गगन का मतलब आकाश या आसमान। अब थोड़ा सा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, दो व्यंजन है वह मिल गए हैं, उसके बीच में कोई भी स्वर व्यंजन नहीं है, तो स्वर व्यंजन न होने से वो व्यंजन है वो आधा है और दूसरे व्यंजन में मिल जाता है, तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे आपका छ है, पहला ही छ, तो इसमें छ है, च है, तो च में अ नहीं मिला हुआ है, लेकिन स्वर मिला हुआ नहीं है, च आधा है और च आधा छ में मिल गया तो छ बना, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिसके आगे क्या नहीं हो, स्वर नहीं हो और स्वर रहित हो तो वो दूसरे स्वर में मिल जाता है, स्वर रहित हो और दूसरे व्यंजन में मिल जाता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छ, छ से बनने वाले अच्छा, मच्छर, गुच्छा, ये शब्द होंगे। तो क आधा और तो, तो से बनने वाले कौन कौन से, वक्त और रक्त, भक्त, सुप्त, ये शब्द क्या क्या कहलाए, त से बनने वाले। द्व, द्व, द्व से बनने वाले तो द्वार, द्वंद्व, द्वारिका, द्वेष, ये शब्द क्या कहलाए, द्व से बनने, द्व संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द। इसके अलावा तीसरा है, इसमें कविता में समान तुक वाले शब्द को छाट कर लिखना, जैसे किरण है तो किरण के समान कौन सा दूसरा शब्द ऐसा है, कैसा, बोलने में समान एक जैसे ही लगते, किरण, हिरण, करती तो डरती, रहती, फिरती, जैसे चाचाते तो लहलहाते, देख कर तो जगा कर, इस कविता में जो जो आए हैं वो ही लिखने, किरण तो हिरण, करती तो डरती, चहचहाते तो लहलहाते, देख कर तो जगा कर। अब आगे जो क्रियाकलाप के हैं वो आपको ही करने हैं, कि जो विद्यार्थी को करने हैं, आपको आगे जो प्रश्नोत्तर है जीवन मूल्य से संबंधित तो आपको करना ही है, कि सुबह के समय जो अच्छा क्यों लगता है आपको वो आपको खुद को करना है। इसके अलावा क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न, क्रियाकलाप में स्कूल जाते समय क्या क्या, रास्ते में क्या क्या, कौन कौन से नज़ारे देखते हो, कौन कौन से नज़ारे जैसे देखते हो, स्कूल बस में आते हो तो क्या क्या चीज़ें आप रास्ते में देखते हो, उसका सारा वर्णन आपको दो से तीन शब्दों में या दो तीन पंक्तियों आपको करना है। अब इसके अलावा दिए गए शब्दों की सहायता से पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब यहाँ पर कॉलम में थोड़े से शब्द दे रखे, आज अच्छा, दोस्त पहला, घबरा और प्रसन्न, विद्यालय में, तो आज विद्यालय में मेरा पहला दिन था, वहां जाने से पहले कहां गया, वहां जाने से पहले क्या हो रहा था, वहां जाने से पहले मैं बहुत क्या हो रहा था, घबरा रहा था, पर वहां पहुंचकर मुझे बहुत क्या लगा, अच्छा लगा। सभी बच्चे कैसे थे, प्रसन्न थे, पहले दिन ही मेरे कई दोस्त बन गए दोस्त, तो ये सब आपको फील करना है अंदर। इनमें से आपको सुबह कौन जगाता है, अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, सबसे पहले आपको सुबह में कौन जगाता है उस पर टिक लगाना, अलार्म वाली घड़ी भी जगाती है कि मम्मी जगाती है कि पापा जगाते हैं या मुर्गा जगाता है, जो भी आपको जगाता हो उस पर स्माइली फेस का चित्र बनाना है, ठीक है। तो आपको जो गृह कार्य में करने हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, गृह कार्य में आपको कॉपी में कौन कौन से करने हैं, एक तो जो बोलकर मौखिक प्रश्न है तीनों वो आपको कॉपी में करने हैं, और कठिन शब्द शब्दार्थ भी लिखने हैं, पहले कठिन शब्द शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद ये मौखिक प्रश्न बोलकर तीनों प्रश्न है वो लिखने हैं, उसके बाद लिखित प्रश्न में क से लगाकर घ तक, क, ख, ग और घ, मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर है वो आपको कॉपी में करने हैं, बाकी दूसरे जो है वो सारे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में करने हैं।
किरण का पाठ पढ़ेंगे, पहला पाठ। धन्यवाद।